आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब उस्ताद जी ट्रक लेकर निकले तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। वो क्या था कि आज उस्ताद मुझे भी ट्रक ड्राइव करने का मौका देने वाले थे। वैसे तो मैंने पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी, मगर आज पहली बार लोड ट्रक चलाने वाला था, वो भी हाईवे पर, जिसके लिए मुझे रात होने का वेट करना था, क्योंकि रात के वक्त ट्रैफिक ना के बराबर रहती है। आखिरकार तपती दिन की जगह कड़ी रात ने ले ली और उस्ताद ने भी ट्रक एक ढाबे पर रोक दिया। खाना खाने के बाद जब हम वहां से चलने को हुए तो मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी अब यहां से मैं ड्राइव करता हूं। मगर जब उस्ताद ने कहा, अरे नहीं नहीं अभी नहीं, तो मेरा तो दिल ही टूट गया और फिर मैं बड़े ही उदास मन से चुपचाप उस्ताद के साथ ट्रक में बैठा रहा। मुझे बुरा तो बहुत लगा था, जिस वजह से मैं उनकी तरफ देख तक नहीं रहा था। वहीं उस्ताद को भी मेरी नाराजगी का पूरा एहसास हो गया। फिर एक मोड़ पर जब हमारा ट्रक पहुंचा तो उस्ताद ने कहा, अभी बाहर मत देखना। मैं तो पहले से ही नाराज हुआ बैठा था, जिस वजह से मैंने उनकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ट्रक अभी उस मोड़ को क्रॉस कर ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बर्फ के गोदाम में बैठा हुआ हूँ। ठंड इस कदर हो रही थी कि मेरे दांत कटकटाने लगे थे। ट्रक से झांका तो दो लोग रोते हुए नजर आए, जिनकी गर्दन उनके धर से लटकी हुई थी, जिसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने उस्ताद को आवाज देते हुए कहा, उस्ताद वो देखो जरा। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरी आंखों में कुछ चला गया, जिस वजह से मैं अपने दोनों आंखों को मसलने लगा। और जब मैंने आंखें मसलना बंद किया तो पाया कि मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ। यहाँ तक कि उस्ताद भी ट्रक में नहीं थे। ट्रक अपने आप ही फुल स्पीड में दौड़ी जा रही थी। मैं लगातार ट्रक रोकने की कोशिश किए जा रहा था, मगर ब्रेक लगी नहीं रही थी। तभी ट्रक हाईवे से उतर कर साइड के रेलवे ट्रैक की ओर मुड़ गई और ट्रक के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। ट्रक के रुकते ही ट्रक के एक ओर जैसे मुझे बड़ी स्पीड में ट्रेन आती हुई नजर आई। ट्रेन को देखते ही मैं ट्रक से उतरने के लिए ट्रक का दरवाजा खोलने लगा, मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा था। ट्रेन किसी भी पल ट्रक समेत मेरे को कुचलकर चली जाती। तभी अचानक ही ट्रक का दरवाजा खुल गया। ट्रक का दरवाजा खुलते ही मेरी नजर उस्ताद पर पड़ी, जो बहुत ही बुरी तरह से घायल थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। तभी उस्ताद ने कहा, जल्दी उतरो। मैं उसी वक्त ट्रक से नीचे उतर गया और मेरे उतरते ही ट्रेन उस ट्रक के चिथड़े करते हुए वहां से निकल गई। उस्ताद वहीं पर ट्रक के करीबी बैठ गए। मैं भी काफी डरा हुआ था। तभी उस्ताद ने कहा, तुम अपने हाथों को। उस्ताद ने इतना कहा ही था कि एक बार फिर से मेरी आंखों में कुछ चला गया और मैं अपनी आंखें मसलने लगा। तभी उस्ताद जोर से चीखे और फिर जब मैंने उस्ताद की तरफ देखा जहां वो बैठे हुए थे, तो मैंने पाया कि अब ना तो उस्ताद वहां पर हैं और ना ही मैं वहां पर हूं। दरअसल मैं किसी रेलवे फाटक के करीब खड़ा था, वो भी पटरियों पर। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी मुझे उस्ताद के कराहने की आवाज सुनाई दी। फिर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल उस्ताद को मैंने उनके बालों से अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। अब उस्ताद की हालत और बुरी हो गई थी। मैंने तुरंत ही उन्हें छोड़ा और रोते हुए बोला, उस्ताद ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। उस्ताद की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अब वो पूरी तरह होश में नहीं थे। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, मगर वो सही से बोल ही नहीं पा रहे थे, जिससे मैं ये समझ पाता
कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तभी पटरियां कपकपाने लगी। थरथराती पटरियों से मुझे ये अंदाजा हो गया कि हो ना हो ये ट्रेन आ रही है। मैंने उस्ताद को किसी तरह से सहारा देते हुए ट्रैक से हटाया। मैं मदद के लिए लोगों को आवाज देने लगा, मगर मेरी पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंची। तभी उस्ताद ने कहा, अपनी आंखें मत मसलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उनसे पूछने ही वाला था कि ऐसा क्यों, कि फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंख में कुछ चला गया है। मैं फिर से अपनी आंखें मसलने लगा। मैं अभी आंखें मसल ही रहा था कि मुझे एक चीख सुनाई दी। फिर जब मैंने सामने देखा तो पाया कि मैं किसी फ्लाईओवर के ऊपर बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूँ। फिर जब नीचे देखा तो वहाँ उस्ताद नीचे गिरे पड़े थे। वो अब बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे। चारों तरफ खूनी खून फैला हुआ था। तभी किसी ने मुझे पीछे की ओर खींचा और वहाँ पर तभी कुछ लोग आ गए। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए। वो आपस में कह रहे थे कि मैंने उस्ताद को फ्लाईओवर से नीचे फेंका है। इतने में पुलिस भी आ गई और मुझे कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की और मैंने उन्हें सारी बात बताई, मगर वो सभी बातें किसी काम की नहीं थी और मुझे लंबी सजा हुई। बाद में पता चला कि उस हाईवे पर बहुत पहले दो लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया था, जिसके चलते उनकी आत्माएं जिन्हें भी दिख जाती हैं वो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा कि उनके साथ हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।